और इधर रांची के बेड़ों में जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। हाथियों के झुंड ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, फसल और अनाज भी बर्बाद कर दिया है। दहशत में इलाके के ग्रामीण हैं, वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई है। देखिए किस तरह से हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। और ये बेड़ों की तस्वीर है जहां पर हाथियों ने उत्पात मचाया है, फसल और अनाज बर्बाद कर दिया है, कई घरों को क्षतिग्रस्त किया है हाथियों ने। हालांकि इस दौरान वन विभाग के रवैये से लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वन विभाग को कई बार सूचना दी जाती है लेकिन टीम वक्त पर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। देखिए कैसे घरों को क्षतिग्रस्त किया है हाथियों के झुंड ने, कई घरों को क्षतिग्रस्त किया है, अनाज की भी बर्बादी की है, फसल को भी बर्बाद किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, एक बार फिर से हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है, कई घर तोड़ डाले हैं हाथियों के झुंड ने, कई फसलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। वन विभाग के रवैये से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथी उत्पात मचा रहे हैं जिससे कि ग्रामीण परेशान है। यहाँ तक कि विद्यालय परिसरों में भी हाथी का जमावड़ा रातों को हो जाता है, जिससे कि ग्रामीण काफी आक्रोश में है। उनका कहना है कि ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए जिससे कि रात में भी ग्रामीण हाथियों को भगा सके गांव से दूर में, इस तरह की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। तो क्या फौरी तौर पर मुआवजा मिला है किसी को? मुआवजा के लिए आश्वासन तो दिए गए हैं, अभी तो मुआवजा किसी को नहीं मिला है उस प्रकार का। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।